आज लखनऊ दौरे पर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। यूपी को 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं की देंगे सौगात। आजादी के 75वें साल के मौके पर 3 दिवसीय नेशनल न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव की भी शुरुआत करेंगे पीएम। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय और उत्तर प्रदेश का नगर विकास विभाग कर रहा है इस कार्यक्रम का आयोजन। पीएम आवास योजना के तहत 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से चाबी भी सौंपेंगे प्रधानमंत्री। यूपी की 10 स्मार्ट सिटीज की सफलता की 75 कहानियों पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी करेंगे। यूपी के अलग अलग शहरों में चलने के लिए 75 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और वाराणसी में चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। पीएम मोदी लखनऊ में के भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में अटल बिहारी वाजपेयी चेयर का भी करेंगे ऐलान। कार्यक्रम में सीएम योगी और यूपी की गवर्नर भी रहेंगी मौजूद। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आज मारे गए किसानों का होगा अंतिम संस्कार। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंपे गए शव। लखीमपुर खीरी में सामान्य हो रहे हैं हालात, धारा 144 अभी भी लागू। रविवार दोपहर को हुई थी हिंसा। लखीमपुर खीरी में मृतकों के परिजनों को 45-45 लाख की मिलेगी आर्थिक मदद। एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी। घायलों को 10-10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। घटना की न्यायिक जांच का ऐलान। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे मामले की जांच। किसानों और प्रशासन के बीच समझौते के बाद लखीमपुर खीरी में सब कुछ प्रशासन के कंट्रोल में। लखीमपुर खीरी हिंसा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर FIR दर्ज। आशीष मिश्रा पर किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अब भी पुलिस हिरासत में। प्रियंका ने पुलिस पर धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया। इंडिया टीवी से बातचीत में बोली प्रियंका गांधी, मैंने धारा 144 का उल्लंघन नहीं किया, पुलिस ने मुझे धमकाया। प्रियंका ने कहा, बीजेपी कार्यकर्ता का मारा जाना भी गलत, मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। प्रियंका बोली, बिना किसान परिवारों से मिले वापस नहीं जाऊंगी, मैं लड़ रही हूँ, लड़ती रहूंगी। प्रियंका को हिरासत में लिए जाने पर इंडिया टीवी से बोले रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका बहुत मजबूत महिला है, वो झुकेंगी नहीं। रॉबर्ट वाड्रा बोले, प्रियंका के साथ पुलिस का व्यवहार बिल्कुल गलत था, पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलना चाहिए। प्रियंका गांधी को रोके जाने पर बोले सीएम अशोक गहलोत, कहा हमने कभी विपक्ष को नहीं रोका, विपक्ष के जाने से और सच्चाई के सामने आने की बात पुख्ता होती है। लखीमपुर की घटना पर कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल की मांग, रिटायर्ड नहीं सिटिंग जज करें मामले की जांच। मल्लिकार्जुन खड़गे का योगी सरकार पर निशाना, कहा यूपी के तानाशाह बने रहे हैं योगी आदित्यनाथ, लोकतंत्र को तानाशाही में तब्दील करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग, कहा लखीमपुर की घटना हादसा नहीं हत्या है। लखीमपुर खीरी घटना पर बोले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, राज्यपाल से मिलकर तीनों कानून वापस लेने के लिए ज्ञापन सौंपा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा लखीमपुर हिंसा इंसानियत पर दाग, विपक्ष को रोकना अलोकतांत्रिक। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को पुलिस ने छोड़ा, धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया था। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने राकेश टिकैत पर लगाया बड़ा आरोप, कहा यूपी में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है राकेश टिकैत। अजय मिश्रा ने समाजवादी पार्टी पर किसानों को भड़काने का भी आरोप लगाया, कहा SP के जिलाध्यक्ष साजिश में शामिल। लखीमपुर खीरी हिंसा पर बोले राकेश टिकैत, कहा पहला अटैक गाड़ी में बैठे लोगों की तरफ से हुआ, जिसके बाद भीड़ ने मारपीट की। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर राजनीति जारी, कांग्रेस आज करेगी देशभर में विरोध प्रदर्शन। विरोधी दलों के नेताओं को नहीं मिली लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत। लखीमपुर की घटना को लेकर दिल्ली के यूपी भवन के बाहर भी प्रदर्शन, महिला कांग्रेस अखिल भारतीय किसान संघ ने विरोध व्यक्त किया। देहरादून में कांग्रेस का प्रदर्शन, हरीश रावत ने कहा ऐसी हत्यारी सरकार को देना चाहिए इस्तीफा। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर भोपाल में विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। प्रियंका गांधी की रिहाई को लेकर यूथ कांग्रेस ने निकाला भोपाल में मशाल जुलूस, हजारों कार्यकर्ता मार्च में शामिल। बंगलुरु में कांग्रेस नेता शिव कुमार और सिद्धारमैया ने प्रियंका गांधी के समर्थन में मार्च निकाला। राजभवन पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने कहा यूपी में लोकतंत्र को कुचला गया है। विजयवाड़ा में भी काले झंडे के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी से इस्तीफा देने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोलकाता के मौलाली क्रॉसिंग पर लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना को लेकर विरोध व्यक्त किया। पुलिस ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। हैदराबाद में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, हिरासत में लेने के बाद सड़कें हुई खाली, 2 किलोमीटर तक लगा था जाम। जम्मू में यूथ कांग्रेस के नेताओं ने निकाला कैंडल मार्च, प्रियंका गांधी को हिरासत में रखने पर नेताओं ने कहा यूपी में कानून को गाड़ियों से रौंदा जा रहा है।
दिल्ली में युवा कांग्रेस के सदस्यों ने लखीमपुर खीरी हिंसा की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लखीमपुर में चार किसानों सहित कुल 8 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में गोपाल राय के नेतृत्व में आपने निकाला कैंडल मार्च, उत्तर प्रदेश सरकार को बताया तानहाशाह। नोएडा में ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट में घुसे किसान, भारी सुरक्षा के बीच डीएम कार्यालय तक पहुंच गए। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर लखीमपुर के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आरएसएस के भारतीय किसान संघ का बयान, लखीमपुर की घटना में किसान शामिल नहीं, घटना के पीछे राजनीतिक साजिश। भारतीय किसान संघ का बयान, वामपंथी तरीके से घटना को दिया गया अंजाम, लोगों को बेरहमी से मारा गया, किसान ऐसा कर नहीं सकते। लखीमपुर घटना पर बोले सिद्धू, किसानों की हत्या करने वालों की हो गिरफ्तारी, सीएम खट्टर के खिलाफ दर्ज हो केस। सुखबीर सिंह बादल की पीएम से अपील, तीनों कृषि कानून वापस ले ताकि किसानों की जिंदगी बच सके। लखीमपुर खीरी जाएंगे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, कहा तीनों कृषि कानून वापस ले सरकार, केंद्रीय मंत्री को किया जाए बर्खास्त। ओवैसी ने कहा लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए दर्ज की गई एफआईआर कभी नहीं होगी, मामले की सही जांच। सीएम ममता बैनर्जी ने लखीमपुर खीरी की घटना की निंदा की, कहा हमने चार सांसदों की टीम को भेजा लेकिन उन्हें रोक लिया गया। अकाली दल ने आज चंडीगढ़ में कोर ग्रुप की इमरजेंसी बैठक बुलाई। लखीमपुर खीरी की घटना को देखते हुए सुखबीर बादल ने जालंधर दौरा को आगे बढ़ाया। ममता के लखीमपुर वाले बयान पर शुभेंदु अधिकारी का जवाब, कहा चुनाव के बाद बंगाल में 55 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुई है हत्या, देश का किलिंग हब बन गया है ममता बैनर्जी का बंगाल। 7 अक्टूबर को विधानसभा की सदस्यता की शपथ लेंगी ममता बैनर्जी, राज्यपाल ओपी धनखड़ को दिया गया न्योता। असम उपचुनाव में 3 सीटों के लिए बीजेपी ने जारी किए उम्मीदवारों के नाम, थौरा से सुशांता बोरगोहेन लड़ेंगे चुनाव। गांधीनगर में आज स्थानीय निकाय चुनाव के आएंगे नतीजे, वोटों की होगी गिनती, रविवार को हुआ था चुनाव। भारत समेत दुनिया भर में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप करीब 7 घंटे तक ठप रहा, करोड़ों सोशल मीडिया यूजर्स को हुई परेशानी। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ठप होने पर कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने लोगों से माफी मांगी, लोगों की परेशानी पर खेद व्यक्त किया। ऋषिकेश एम्स को मिलेगा नया ऑक्सीजन प्लांट, पीएम मोदी 7 अक्टूबर को करेंगे उद्घाटन। डीआरडीओ के अभिनंदन समारोह में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सैन्य आधुनिकीकरण पर फोकस है, बढ़ रही है सैन्य उपकरणों की मांग। अंबाला के खड़गा को हेडक्वार्टर पहुंचे आर्मी चीफ एमएम नरवणे, जवानों से की बातचीत। क्रूज जहाज ड्रग्स केस में आरोपी अरबाज मर्चेंट से रात में भी हुई पूछताछ, 7 अक्टूबर तक नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में। क्रूज रेफ पार्टी केस में आर्यन खान को राहत नहीं, कोर्ट ने आर्यन, अरबाज और मुनमुन को 7 अक्टूबर तक एनसीबी कस्टडी में भेजा, तीनों को एनसीबी के लॉकअप में रखा गया, एनसीबी पूछेगी ड्रग्स की तस्करी से जुड़े सवाल। आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने कोर्ट में दी दलील, कहा आर्यन का ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं, वो गेस्ट के तौर पर गए थे। मुंबई कोर्ट ने बाकी के 5 आरोपियों को भी 7 अक्टूबर तक एनसीबी कस्टडी में भेजा, इनमें से भी सभी से पूछताछ की जाएगी। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में गोरेगांव से एक शख्स को गिरफ्तार किया, आर्यन खान के साथ हो सकता है लिंक। महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर इलाके में 3 नाइजीरियन गिरफ्तार, 10 लाख की कीमत की ड्रग्स इनसे बरामद, केस दर्ज। आरएसएस पर दिए गए बयान को लेकर जावेद अख्तर के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जावेद अख्तर ने आरएसएस की तुलना तालिबान से की थी। महंत नरेंद्र गिरी केस में आरोपियों की 7 दिन की रिमांड खत्म हुई, आनंद गिरी समेत तीनों आरोपी भेजे गए नैनी जेल। सुशील कुमार ने रोहिणी कोर्ट में दायर की नियमित जमानत याचिका, 23 मई को सागर राणा की हत्या मामले में हुई थी गिरफ्तारी। यूपी के फिरोजाबाद में वाहन चोर गैंग के 17 सदस्य गिरफ्तार, बाइक स्कूटी समेत 36 वाहन जब्त। यूपी के अमेठी में महज 2 दिन में हुई हत्या का खुलासा, 2 अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद। गोरखपुर में नहीं निकल रहा है बाढ़ और बारिश का पानी, स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं बच्चे। दफ्तर और स्कूल जाने वालों के लिए ट्रैक्टर बन गया है सहारा, कई इलाकों में जलभराव, ड्रेनेज सिस्टम फेल। उत्तर प्रदेश के बरेली में आला हजरत के 103वें उर्स के दौरान उपद्रवियों का हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, रूट डायवर्जन को लेकर हुआ बवाल। 32 साल पुराने अपहरण केस में पप्पू यादव रिहा, मधेपुरा कोर्ट ने दी जमानत, सरकार पर फिर बोला हमला, कहा मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं। नोएडा में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए बॉर्डर पर जबरदस्त चेकिंग, कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा। दिल्ली में अक्षरधाम इलाके के पास कल रात कई घंटों तक हाईवे पर ट्रैफिक जाम, रिंग रिंग कर चलती हुई गाड़ियां नजर आई। बॉर्डर पर चेकिंग की वजह से लगा था जाम, दिल्ली और नोएडा दोनों बॉर्डर पर गाड़ियों की हो रही थी चेकिंग। मुंबई में 4 मंजिला इमारत गिरी, हादसे में एक बुजुर्ग शख्स ने जान गंवाई।
दिल्ली में इस साल डेंगू के 341 नए मामले सामने आए, सिर्फ सितंबर में 217 केस दर्ज किए गए। देश में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार, एक दिन में करीब 16,752 पॉजिटिव केस, 254 लोगों ने जान गंवाई। देश में 70% आबादी को लगी वैक्सीन की पहली डोज, 18 प्लस वाले 25% लोगों को लगी दोनों डोज। जम्मू कश्मीर में एक दिन में 1,78,000 लोगों को दी गई कोरोना वैक्सीन की डोज, अब तक सबसे ज्यादा डोज देने का रिकॉर्ड। मणिपुर के बिशनपुर में करांग तक भेजी गई ड्रोन के जरिए वैक्सीन, आईसीएमआर ने सिर्फ 12 से 15 मिनट में वैक्सीन पहुंचाई, ड्रोन से 26 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर की रह गई। साउथ ईस्ट एशिया में पहली बार ड्रोन का कमर्शियल इस्तेमाल किया गया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मणिपुर से की शुरुआत। केरल में कोरोना के 8,850 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 149 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,165 नए मामले सामने आए, 27 मरीजों ने जान गंवाई। डेढ़ साल के बाद खुल गए मुंबई के स्कूल, 8वीं से लेकर 12वीं तक की होगी पढ़ाई, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कोरोना सर्टिफिकेट अनिवार्य। पुणे में स्कूल खुलने पर बच्चों को दिए गए गुलाब के फूल, सिर्फ 30% बच्चे पहुंचे स्कूल, अभी भी ऑनलाइन क्लास की डिमांड। उत्तराखंड में बढ़ाई गई कोरोना की पाबंदियां, 19 अक्टूबर सुबह 6 बजे तक जारी रहेंगी पाबंदियां। तूफान शाहीन ने ओमान में मचाई तबाही, अब तक 12 लोगों की मौत, ईरान में भी तूफान से बुरा हाल। स्पेन में ज्वालामुखी में रह रहकर निकल रहा है लावा, आसमान में धुएं का गुबार भी नजर आया। थाईलैंड के अयुथाया में बाढ़ बारिश से बुरा हाल, जलमग्न हुए कई मंदिर, लोगों को हुई परेशानी। यमन में विद्रोही गुट ने दागे 3 मिसाइल, 2 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। फुमियो किसीदा बने जापान के नए प्रधानमंत्री, जापानी संसद ने नाम पर लगाई मुहर। पीएम मोदी ने जापान के नए पीएम को बधाई दी, भारत और जापान के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे कहा। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की टीम चेन्नई सुपर किंग्स को 3 विकेट से हराकर पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पहुंची। सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 136 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स में शिमरॉन हिटमायर 18 गेंद पर नाबाद, 28 रन के दम पर उन्होंने जिताया मैच। 19.4 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर बना लिए 139 रन। हार के बाद सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, टीम इस हार से प्रभावित नहीं होगी। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत बोले, हमारे लिए मुश्किल मैच रहा लेकिन जीत कर अच्छा लगा, पावर प्ले के बाद हमने अच्छी गेंदबाजी की। एशियन सीरीज पर गहराए संकट के बादल, इस हफ्ते मीटिंग के बाद ईसीबी लेगा फैसला। सैफ कप फुटबॉल चैंपियनशिप में 10 खिलाड़ियों से खेल रही बांग्लादेश की टीम ने भारत को 1-1 से ड्रॉ पर रोका, भारत के लिए एकमात्र गोल किया कप्तान सुनील छेत्री ने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़, गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।